में जब मौजूआत की तकसीम की गई और मुकर्ररीन को मौजूआत दिए गए और आखिर में जो मौजू बच गया वो मेरे हिस्से में आया, पाकिस्तान में दीनी जद्दोजहद का मुस्तकबिल। मेरा मिजाज, मेरी तबीयत और मेरा अंदाज कुछ और गुफ्तगू करने का तकाजा करता है। दिल में जो बातें हैं, दिल में जो कैफियात हैं, दिल में जो तूफान है, दिल में जो भांबड़ है, मन तो ये चाहता है कि वो आप तक पहुंचाए, लेकिन मौजू का तकाजा ये है कि बातें कुछ और की जाए। हालात का जब ये चाहता है कि अंजुमन तुलबाए इस्लाम की यह कुव्वत रेजा रेजा हो जाए, माहौल की तलखियां ये चाहती हैं कि अंजुमन का यह काफिला तितर बितर हो जाए। आपके और मेरे घर के हालात घर की जरूरतें माशी मजबूरियां आपकी और मेरी गुर्बत ये तकाजा करती है कि आप और मैं घर बैठे हैं। लादीनी कुव्वतें अपना पूरा जोर लगा रही है कि मस्तों, दीवानों और नबी के नाम पे मर मिटने वालों का यह काफिला खत्म हो जाए और अपने रास्ते से हट जाए। हमारे अपने आमाल, हमारे अपने गुनाह, हमारी अपनी गफलतें, हमारी अपनी तंजीमी कोताहियां इस बात के लिए काफी है
ये काफला मोहब्बत रसूल मुंतशिर हो जाता। गैरों की साजिशें तो बहुत दूर की बात, दुश्मनों के हमले तो बहुत दूर की बात, आपका और मेरा किरदार, आपकी और मेरी गफलत, आपकी और मेरी सुस्ती ही बहुत काफी है इस तंजीम को खत्म कर देने के लिए। लेकिन पूरे कब से जो मैं खड़ा हूं तो ये तेरा है करम, मुझको झुकने ही नहीं देता है सहारा तेरा। गंदे हैं, कुतड़े हैं, मंदड़े हैं, कोचे हैं, ना मैं सोना ना कुछ गुण बल्ले, मैं क्यों करते हैं भामा हूं, मेरे पास तो कोई ऐसा अमल नहीं, कोई ऐसा कसब नहीं, कोई ऐसा गुण नहीं जो रसूल अकरम की बारगाह में पेश कर सकूं और सुर्खरू हो सकूं, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में पेश कर सकूं और सुर्खरू हो सकूं। ये तो बस इस नबी के नाम की लाज है कि हमारी इज्जत बनी हुई है। हम झूठे हैं, हम मानते हैं कि हम झूठे हैं, हमारे किरदार खोखले हैं, हमारी जुबानें झूठे दावे करती हैं, हमारे मन खाली हैं, हमारे चेहरे तो दूर नूर हैं लेकिन हमारे बातिन अंधेर अंधेर हैं। और ये सब कुछ काम की है हमें और आपको खत्म कर देने। लोग भी हमें बखेर देना चाहते हैं, लोग भी हमें तोड़ देना चाहते हैं, लोग भी हमें पीस देना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं, और हम खुद भी कुछ बहुत कमाल नहीं कर रहे। लेकिन बस सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कुर्बान अपने रब की कुदरत पर कि उसने नबी का नाम लेने की इतनी बड़ी लाज रखी है कि हमारी बात कर ली। काफिला चल रहा है, काफिला आगे बढ़ रहा है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, आंधियां हैं, लेकिन काफिला रुकता नहीं, काफिला रुकता नहीं है। कदम कई बार डगमगा जाते हैं, कदम कई बार लड़खड़ा जाते हैं, और सिर्फ कदम नहीं लड़खड़ाते बल्कि हम गिर भी पड़ते हैं, मुंह के बल गिर जाते हैं, कई बार मुंह के बल गिर पड़ते हैं, बस फिर कोई उठा देता है। और वो उठाने वाली जात जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, जिसको है मेरी लाज वो लजपाल बड़ा है, जिसे दुनिया धुतकार दे, जिसे दुनिया ठोकर मार दे, जिसे दुनिया रांधाए दरगाह कर दे, उसको भी मेरे आका रहमत आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सीने से लगाते हैं। सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी। वो जैसे करीम है कि गैरों को भी सीने से लगाते हैं, बेगानों को भी सीने से लगाते हैं, हम कोचे सही, हम निकम्मे सही, हम निमाने सही, हम गंदे सही, हैं तो अपने, हैं तो उनके अपने, उनका नाम लेते हैं और इस नाम की बरकत से अंजुमन तुलबा इस्लाम का काफिला चल रहा है। मैं अभी मशावरत का इजलास हो रहा था, आप यहां नारे लगा रहे थे, मजहर अली शाह साहब मेरे साथ बैठे थे, मैंने इनसे कहा कि कभी निजा का आलम हो, हम पे सुकरात की कैफियत तारी हो, मौत की कैफियत तारी हो, और कोई हमें सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी का नारा सुनाए, हम मरते मरते उठ के खड़े हो जाए, जिब्रील की आंखों में आंखें डाल के खड़े हो जाएंगे, अभी ठहर जाओ, नारा ही दबाव लगा रहे। बस इस नारे की गर्मी और मस्ती है, इस वजीफे का नूर है, इस सैयदी मुर्शदी या नबी या नबी, इस वजीफे का नूर है कि हमारे गुनाहों के बावजूद हमारे चेहरे नबी के मोहब्बत के नूर से चमकते या नबी या नबी।
काफला तेज चले या आहिस्ता चले, सारे साथ चले या सारे साथ छोड़ जाए, आपका अपना वजूद आपका साथ दे या साथ न दे, मन तो कभी साथ नहीं छोड़ सकता। ये मन कभी साथ नहीं छोड़ सकता। तन के तकाजे बरगलाएंगे, मादियत बरगलाएगी, हालात बरगलाएंगे, लेकिन क्या करूं, वो करीम मौला ऐसा है कि ऐसा दूसरा मिल ही नहीं सकता। वो जात ऐसी है कि ऐसा दूसरा मिल ही नहीं सकता, उसे छोड़ नहीं सकता। उस बिन हमारा गुजारा नहीं है, रसूल अकरम बिन हमारा गुजारा नहीं है, लिहाजा मजबूर हैं कैसे गंदे ही सही। मानते हैं कि उसके काबिल नहीं है, मानते हैं पता है कि उसके काबिल नहीं है। या रसूल अल्लाह तू सोना रज के सोना जीवे सवेरा, या रसूल अल्लाह तू सोना रज के सोना जीवे सवेरा, मैं कोचा रज के कोचा जीवे हनेरा। कोई मेल और मिलाप भी नहीं है, लेकिन छोड़ इसलिए नहीं सकते कि दूसरा आका मौला ऐसा मिल ही नहीं सकता, ऐसा रजपाल कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता, ऐसी लाज निभाने वाला कोई दूसरा मिल ही नहीं सकता। लिहाजा रसूल अकरम बिन रसूल अकरम की मोहब्बत के बगैर, रसूल अकरम की याद में मगन रहने के बगैर, रसूल अकरम की याद में मस्त रहने के बगैर, और सैयदी मुर्शदी या नबी के नारों पर अपनी जिंदगी बिता जाने के बगैर हमारे पास और कोई चारा ही नहीं है, और कोई चारा ही नहीं है। लिहाजा ये अंजुमन तुलबा इस्लाम, ये काफला, इसने तो आगे बढ़ना ही बढ़ना है। अब देखो जंगे बदर होती है तो रसूल अकरम बड़ी शान से जीत जाते हैं, जंगे बदर होती है तो रसूल अकरम बड़ी शान से जीत जाते हैं, जंगे अहद होती है अल्लाह का प्यारा रसूल प्यारा नबी उस जंग में मौजूद है, जंगे अहद होती है अल्लाह का नबी मौजूद है, पता यकीनी होनी चाहिए अल्लाह का नबी है, लड़ रहा है, खुद लड़ने आया है, तो अल्लाह को चाहिए कि मदद करे, सपोर्ट करे, साथ दे। लेकिन जंगे अहद हार जाते, जंगे अहद हार जाते हैं, तो हक का मेयार सच का मेयार जीतना हारना नहीं है। कभी मारोगे कभी मार खाओगे, कभी जीतोगे कभी हार जाओगे, लेकिन काफले का रुख मदीने की तरफ ही रखना है। जीते तब भी उधर ही चलना है, हारे तब भी उधर ही चलना है, लोग साथ दें काफला बहुत बड़ा हो तब भी उधर ही जाना है, और लोग साथ छोड़ जाए काफला छोटा हो जाए तब भी उधर जाना है। हमारी मंजिल तो बस वही और वही है, उसके अलावा कोई और मंजिल नहीं है। ये काफला कई सालों से अपनी मंजिल की जानिब चल रहा है, और इस काफले के रास्ते में अपने भी आए हैं, बेगाने भी आए हैं, दोस्त भी आए हैं, दुश्मन भी आए हैं, लेकिन इस काफले ने अपना रास्ता नहीं बदला है। हमारे अपने भी हमारा साथ छोड़ गए, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं बदला है। तो इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से रसूल अकरम के नाम के सदके इंशाल्लाह ताला ये काफला आगे बढ़ता रहेगा और आगे चलता रहेगा। हम होंगे या ना होंगे, लेकिन ये काफला चलता रहेगा, क्योंकि इस काफले को मिटाने वाले मिटते रहे हैं, इस काफले को रोकने वाले रुकते रहे हैं। ये काफला रुका नहीं है, ये रुका नहीं है, ये चलता और बढ़ता रहा है। रास्ते की सख्तियां रहेगी बला किसे, रास्ते की सख्तियां अहमद मते रसूल के पास पाए पास पा, हम चादरे बतूल के पास पाए पास पा, हमसे जो टकराएगा पास पास जाएगा, हमसे जो टकराएगा पास पास जाएगा। बस ये वो मेरे अंदर की वो कैफियत वो आग थी जिसमें थोड़ा सा आपको दिया है। अब अपने मौजू की तरफ आते हैं, ये मौजू क्यों मुंतखब किया, पाकिस्तान में दीनी जद्दोजहद का मुस्तकबिल, इसका मकसद ये नहीं है कि आपको मायूस किया जाए, इसका मकसद ये नहीं है कि आपके जज्बे तोड़े जाए, इसका मकसद ये नहीं है कि मजहबी जमातों के नकायस आपके सामने रखे गए, इसका मकसद ये नहीं है कि मजहबी क़यादत की कमजोरियां आपके सामने लाई गई, बल्कि इस मौजू पर
पॉलिसियां तय करें, जो अंजुमन तलबा इस्लाम के काफिले की रफ्तार तय करें, जो अंजुमन तलबा इस्लाम के मकासिद का तायुन करें, गली कूचों मोहल्लों के तायुन में अंजुमन तलबा इस्लाम का काम करें, तो वो खतरात जो मजहबी जद्दोजहद के हवाले से आइंदा हमें पेश आने हैं वो हमारे इल्म में रहें, वो हमारे सामने रहें, वो हमारी नॉलेज में रहें, इसलिए ये मौजू रखा। तो थोड़ा सा तवज्जो गौर खौफ की जरूरत है, मुश्किल और थोड़ी सी फलसफियाना बातें। पाकिस्तान के मजहबी जद्दोजहद का मुस्तकबिल, इसको जहन में रखने से पहले उस यूरोप की हिस्ट्री थोड़ी सी जान लें कि जहां आज मजहब खत्म हो चुका है, जो सेकुलर और ला दीन और ला मजहब इलाका बन चुका है, वो यूरोप जहां आज दीन की बात नहीं होती, इखलाकियात की बात नहीं होती, नेकी की बात नहीं होती, क्या ये यूरोप शुरू ही से ऐसा था? क्या यहां कभी मजहब नहीं था जो आज ये ला मजहब हो गए? नहीं, बल्कि सबसे अव्वल दौर जो बहुत बड़ी तहजीब थी, यूनान की तहजीब, जिसमें फलसफा अकल गालिब थी, उसके बाद मिडीवल पीरियड कहलाता है, करून वस्ता का पीरियड, जिसमें ईसाइयत ने जन्म लिया और ईसाइयत ने फलसफे की जगह ले ली, अकल की जगह ले ली, और अल्लाह का कलाम और अल्लाह के नबी का पैगाम लोगों तक पहुंचा, और वो सारा यूरोप जो कभी फलसफे और अकल की बात मानता था वो अल्लाह के नबी की बात मानने लगा, अल्लाह का कलाम मानने लगा, और सारी वो यूरोप का इलाका ईसाई था, ईसाइयत थी, और ईसाइयत की एक सच्चा मजहब था, सच्चा दीन था, और ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे। उसके बाद तवील अरसा ईसाइयत वहां यूरोप में रही, उस तवील अरसा यूरोप में ईसाइयत रहने के बाद कई सौ साल यूरोप में ईसाइयत रही, मजहब रहा, मजहब का गलबा रहा, और मजहब का इतना गलबा था कि बादशाह कोई फैसला पादरी की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता, चर्च की मर्जी के बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता था, हुकूमत के ऊपर इतने मजहब के असरात थे, इतना मजबूत मजहब था। फिर क्या ऐसी बात हुई कि यूरोप से मजहब खत्म हो गया, मजहबी जमातें मजहबी जद्दोजहद यूरोप से खत्म हो गई, और लादीन तहजीब लादीनी अफकार उस यूरोप के अंदर फैल गए। वो नुक्ता को वजह समझने की जरूरत है अपने मौजू पर आने से पहले। मजहब ने लोगों के मसाइल हल किए, लोगों की जज्बाती तस्कीन की, लोगों को अल्लाह और आखिरत की बातें बताई, लेकिन जैसे जैसे जमाने ने तरक्की की, तहजीब ने तरक्की की, जमाना आगे बढ़ा, तहजीब आगे बढ़ी, नए नए मसाइल ने जन्म लिया, तो उस वक्त की ईसाइयत और उस वक्त के पादरी और उस वक्त के मजहबी इदारे उस तब्दीली और उस चेंज और उस नए मसाइल का हल पेश नहीं कर सकते। तो ये हल निकाला गया कि ऐसा काम करते हैं कि वो बात जो कदीम यूनानी तहजीब में फलसफे ने और अकल ने कही थी वही बात तो हमारा मजहब भी कह रहा है, दोनों एक ही बात है। तो ईसा अलैहिस्सलाम जो तालीम लेकर आए हैं और जो इससे पहले अकल जो बात कर रही थी, जो फलसफा जो बात कर रहा था, वो एक ही बात है। ऐसा करते दोनों को मिला लेते, दोनों को मिला लेते और अपने मसले हल करते। तो उस मिडीवल पीरियड या करून वस्ता के दौर के बाद जो दौर आया उसे कहते हैं रिफॉर्मेशन या दौर इस्लाम। उन्होंने कहा मजहब और अकल को मिलाते हैं और अपने मामला की इस्लाह करते हैं, मजहब अकल और फलसफे को मिलाते हैं और उस अपने मामला की इस्लाह करते हैं। रिफॉर्मेशन का दौर आया मिडीवल पीरियड की बात करूं ने वस्ता के बाद, और उसके बाद जो दौर शुरू हुआ उसे कहते हैं रेनेसां या निशात सानिया। एक बेदारी की लहर दौड़ी, लोगों ने आजादी हासिल करना चाहिए उन जबरबंदियों से जो मजहब के नाम पर, माशरे के नाम पर लोगों के ऊपर लगाए गए। और उसकी वजह क्या थी, अब हमने मौजू की तरफ आए। एक वजह तो यह थी कि हालात में जो तब्दीली आई,
معاشرے نے ترقی کی، تہذیب نے ترقی کی، تو اس وقت کا رائج مذہب ان کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت کے پادری، اس وقت کے مذہبی ادارے، اس وقت کے چرچ اس تبدیلی کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ سارے مذہبی ادارے اس وقت قائم تھے سیاستدانوں کے، اس وقت کے بادشاہوں کے اعلی کار بن گئے، اور ان کے تحفظ کے لیے، ان کی گدیوں اور ان کی بادشاہت کو بچانے کے لیے ان کے ہاتھوں استعمال ہو گئے. اور دوسری بات یہ کہ جو سائنٹیفک ریولوشن آیا اور جو سائنٹیفک تبدیلی آئی، مذہب انہیں قبول نہیں کر سکتا. اس وقت کا مذہب انہیں قبول نہیں کر سکتا. لہذا لوگوں نے یہ دیکھا کہ وہ مذہب جسے ہم مانتے ہیں، وہ مذہب جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، وہ ہمارے مذہبی معاملات میں تو ہماری رہنمائی کر رہا ہے، لیکن ہماری زندگی کے معاملات میں اور ہمارے دنیا کے معاملات میں اور ہمارے کاروبار کے معاملات میں اور ہمارے سائنسی معاملات میں ہماری رہنمائی نہیں کرتے. لہذا ہماری پرائیویٹ لائف، ذاتی زندگی الگ ہے، اور ہماری پبلک لائف، اجتماعی زندگی الگ. سمجھ میں ہے آپ کو؟ ذاتی لائف میری اپنی زندگی اور اجتماعی لائف معاشرے کی زندگی، سب لوگوں کی زندگی، جس میں کاروبار کی ہے، رہن سہن کی ہے، لین دین. تو انہوں نے یہ کیا کہ اپنی پرائیویٹ لائف کو، اپنی ذاتی زندگی کو تو مذہب کے تابع کر لیا، اور جو پبلک لائف ہے اسے زمانے اور حالات کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا. جیسا زمانے کا چلن ہے، جیسے حالات کا چلن ہے، جیسے دنیا کی روش ہے، اس کے مطابق ڈھل گئے. پرائیویٹ لائف الگ ہو گئی، پبلک لائف الگ ہو گئی، ذاتی اور نجی زندگی الگ ہو گئی، اور معاشرت کی زندگی الگ ہو گئی. اور مذہبی ادارے اور مذہبی جماعتیں چونکہ اس وقت کے سرمایہ داروں پر اور اس وقت کی جو سیاسی قوتیں تھیں ان کی اعلی کار بن گئی، تو ان کا تشخص، ان کا وقار، ان کا احترام ختم ہو گیا. ان کی عزت، ان کا وقار، ان کا احترام اور ان کی اہمیت خود بخود ختم ہوتی چاہیے. اور یہ سارے عوامل پر دوسری بات یہ کہ جو زمانے میں تبدیلی آئی اور جو زمانہ آگے بڑھا، اس وقت کا مذہب اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھ سکتا. اور وہ جو زمانے والوں نے کہا تھا کہ ہم سائنس سے اور عقل سے سمجھوتا کر کے اور مذہب کو ساتھ ملا کے اپنے معاملات حل کریں گے، وہ ایسا ہوگا کہ مذہب پہلے اپنی ذاتی زندگی میں گیا اور ذاتی زندگی سے بھی پھر نکل گیا، اور اس طرح سے یورپ سے مذہب کا خاتمہ ہو، عیسائیت کا خاتمہ ہو. اور وہاں کے ایک مشہور فلسفی نے کہا کہ وہ خدا جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے تھے، وہ خدا تو مر چکا، گاڈ از ڈیڈ. اس نوبت پر وہ لوگ آ گئے، اور وہاں سے ان عوامل کی بنیاد پر مذہب ختم ہو گیا. اور آج یورپ کا حال یہ ہے کہ وہاں کوئی اخلاقی قدرے نہیں ہیں، کوئی مذہب نہیں ہے. اور آج یورپ کا یہ حال ہے کہ وہاں کے چرچ نیلام ہو جاتے ہیں، وہاں کے چرچ بک جاتے ہیں. کوئی لائبریری بنا لیتا ہے، کوئی مسلمان خرید کے مسجد بنا لیتے ہیں، کوئی میوزیم بنا دیتے ہیں، وہاں کے چرچ بک رہے ہیں. کوئی آج آپ کو کہے کہ آپ اپنی یہ مسجد نہیں دیتے تو آپ اس کی گردن کاٹ دیتے ہیں، آپ کی غیرت کا یہ نکال تھا. لیکن اسی یورپ کے اندر جہاں کبھی عیسائیت کا اتنا غلبہ تھا، مذہب کا اتنا غلبہ تھا کہ مذہب کے مشورے کے بغیر بادشاہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، پاپ کے مشورے کے بغیر بادشاہ فیصلے نہیں کر سکتا تھا، وہاں سے آج مذہب ختم ہو گیا. تو یہ سارا پس منظر سمجھانے کے بعد جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، پاکستان میں مذہبی جدوجہد کا مستقبل، پاکستان کے اندر بہت ساری مذہبی جماعتیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری مذہبی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بہت ساری تنظیمیں اور تحریکیں کام کر رہی ہیں. جتنا فنڈ مذہب کے نام پر آج پاکستان میں جمع ہوتا ہے پہلے کبھی نہیں جمع ہوتا، جتنا لٹریچر آج شائع ہوتا ہے پہلے اتنا لٹریچر کبھی شائع نہیں، جتنی کتابیں آج بڑھتی ہیں پہلے کبھی اتنی کتابیں نہیں بڑھتی، جتنی جماعتیں، جتنی تنظیمیں آج ہیں پہلے کبھی اتنی جماعتیں نہیں رہی، اور جتنے بڑے بڑے اجتماعات، لاکھوں کے اجتماعات آج ہوتے ہیں پاکستان میں، پہلے کبھی اتنے اجتماعات نہیں تھے. مانتے ہیں نا؟ تو اتنی بڑی تنظیمیں موجود ہیں، اتنی زیادہ جماعتیں موجود ہیں، اتنا زیادہ لٹریچر موجود ہے، اتنا زیادہ تحقیقی کام ہوتا ہے، تو پھر پاکستان میں دین کو غلبہ حاصل ہو.
पाकिस्तान में दीन को ताकत हासिल क्यों नहीं? कभी आपने इस बात को सोचा, इस बात पर गौर किया? और ये सारी तकरीर सुनते हुए, सारा मेरा मौजू सुनते हुए जहन आपके जहन में ये रहे कि अंजुमन तुलबा इस्लाम ने आइंदा की मजहबी जद्दोजहद की प्लानिंग कर दी, आइंदा मजहबी जद्दोजहद का सिर्फ तयन करना है। आपने अपने आप को मजहबी तंजीम की हैसियत से, एक दीनी तलबा तंजीम की हैसियत से इस माशरे में खड़ा रखना है, कायम रखना है। वो आइंदा जो आने वाला सैलाब है उसका मुकाबला करना, ये जहन में रख के इस गुफ्तगू को आप सुन। तो क्यों पाकिस्तान में दीन का हलवा या दीन का रोब, दीन का दबदबा, दीन की तमकनत नजर क्यों नहीं आती? इतनी जमातें होती, लाखों के इश्तेमाल होते हैं, बड़ी रूहानी दुआएं मांगी जाती है, बड़ी रिक्कत अंगेज दुआएं मांगी जाती है, बड़ी बड़ी रूहानी शख्सियात मौजूद हैं, बड़े इंकिलाबी जमातें मौजूद हैं, बड़े इंकिलाबी नारे लगते हैं, इंकिलाब के दावे होते हैं, बड़ी बड़ी रैलियां निकलती हैं, बड़े बड़े जलसे और जुलूस निकलते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग मार्च होते हैं, लेकिन दीन का गलबा, दीन की जद्दोजहद, दीन का चलन माशरे में नजर नहीं आता। कभी आपने इस सवाल पर गौर किया, इसका हल ढूंढा, इसको सोचा क्यों ऐसा? उसकी वजह क्या है? उसकी एक वजह तो बुनियादी तौर पर यह है कि वही मसला जो उन्हें पेश आया था यूरोप में, हमारी भी प्राइवेट लाइफ अलग है, हमारी भी पब्लिक लाइफ अलग है। नमाज दीन के मुताबिक पढ़ी जाती है, कारोबार माशरे की जरूरियात के मुताबिक होता है, रोजा दीन की जरूरियात के मुताबिक रखा जाता है, शादी माशरे में राय रस्मों के मुताबिक होती है, अलग। हमारी जाती और निजी जिंदगी, इंफरादी जिंदगी मजहबी है वो अलग है, और इज्तिमाई जिंदगी वो दुनियावी हालात के मुताबिक है, वो अलग है। तो वो चीज जो उनके अंदर आ गई थी, हमारे अंदर आ गई या नहीं आ गई? आ गई। अंजुमन का हर सिपाही मुस्तफाई मुस्तफाई, अंजुमन का हर सिपाही मुस्तफाई मुस्तफाई। तो ये जहन में रहे कि यूरोप में जिस वजह से दीन तबाह हुआ या मजहब तबाह हुआ या ईसाइयत तबाह हुई, उसके असरात आपके माशरे के अंदर मौजूद है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इतनी ज्यादा मजहबी जमातें मौजूद हैं, इतनी ज्यादा मजहबी तंजीमें मौजूद हैं, सब लोग दीन का काम कर रहे हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का काम कर रहे हैं, लेकिन इन जमातों में से अक्सर लोग लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते, अपनी जमात की तरफ बुलाते। समझ में आई है बात? लोगों को अल्लाह के रास्ते और अल्लाह की तरफ नहीं बुलाते, अल्लाह के हुकुम की तरफ नहीं बुलाते, बल्कि अपनी जमात की तरफ बुलाते। समझ में आ रही बात? अपनी तंजीम की तरफ बुलाते हैं, अपने रास्ते और अपने तरीके की तरफ बुलाते हैं। ये मजहबी काम कहां हुआ? ये तो तंजीमी काम हुआ। नुकता समझ में आया आपको? ये दीनी काम नहीं है, ये तो तंजीमी काम है। अल्लाह के नाम को इस्तेमाल करके, अल्लाह के नाम के नाम को एक्सप्लॉइट करके आप लोगों को अल्लाह की तरफ नहीं बल्कि अपनी तंजीम की तरफ बुला। समझ आई है बात? इतनी सारी मजहबी जमातें मौजूद है, नतीजा क्यों नहीं आता वो बताओ। आपकी दावत तो अल्लाह की तरफ है ही नहीं, अपनी तरफ। फिर हमारे लिए मियार, हमारे लिए नमूना, हमारे लिए आइडियल रसूल अकरम की जात है। हम बुलाते हैं कि अगर अल्लाह की पैरवी करनी है, अल्लाह की इताअत करनी है, तो ये रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम हज़रत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इनकी तरफ आ जाओ, इनका रास्ता अख्तियार करो। लेकिन हमारी जमात और हमारी तंजीमें क्या करती हैं? ये जो मेरे कायद साहब है, ये जो मेरे लीडर साहब है, इनकी तरफ आ जाओ, इनकी पैरवी इख्तियार करो। तो आपकी दावत तो अल्लाह की तरफ और रसूल अकरम के तरीके की तरफ है ही नहीं, अपनी तंजीम, अपने तरीके और अपने कायद की तरफ। ये नाजुक नुक्ता है। मेरे लीडर साहब बहुत अच्छी है,
जो दीन की तशरी, जो दीन की तौजीह, जो दीन की समझ इनके पास है वो किसी और के पास नहीं है, लिहाजा यही चीज कह रहे हैं इन्हीं की तरफ आइए। इनकी तरफ क्यों बुला रहे हो? बुलाना है तो उसकी तरफ बुलाओ कि अल्लाह ने कहा कि इसकी तरफ आ जाओ। रसूल अकरम रहमत आलम नूर मुजस्सम हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो बात, इन दो बातों की वजह से जमातों में से, तंजीमों में से, तहरीकों में से इखलास खत्म हो गया। पहली बात क्या, लिल्लाहियत खत्म हो गई। अल्लाह के लिए तो काम रहा ही नहीं। जब काम अल्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के नाम पर है, अल्लाह के लिए नहीं है, तो अल्लाह ताला उस काम में बरकत नहीं डालता, उस काम में नतीजा नहीं डालता, उस काम में तासीर नहीं डालता। यही वाला वजह है कि मजहबी जद्दोजहद तासीर से खाली, नतीजे से खाली है। कि आपको आपकी दावत अपनी तंजीम अव्वल है, अपनी क़यादत अव्वल है, और अल्लाह का तरीका, रसूल अकरम का तरीका, लिल्लाहियत आपके अंदर नहीं है। रसूल अकरम के की जानिब, रसूल अकरम की इताअत की जानिब आपकी दावत है। दो बात समझ में आ रही। तीसरी बात यह है कि जितनी तंजीमें काम कर रही हैं उन सब ने यह समझ रखा है कि दीन का ठेका अल्लाह ने उन्हीं को दिया, बाकी सारे ठेके कैंसिल हो गए। देखो भाई, सारी बातों का सुनने का मकसद जहन में रहा, मकसद क्या है? एटीआई ने अपनी रास्ते मुतय्यन करने हैं, अपनी इसलाह करनी है और अपने काफिले को आगे से आगे बढ़ाए रखना है, ये जहन में रहे सारी प्लानिंग करके। और माशरे का जो मर्ज है, जो माशरे में बीमारी है, और दीनी जद्दोजहद करने वाली जमातों की जो कमजोरी है वो हमारे सामने रहे, ताकि कहीं वो हमारे अंदर भी ना आए। तो तीसरी बात जो आपको बता रहा था कि हर जमात ये समझती है कि दीन का ठेका उसे मिल गया है, बाकी सारे ठेके कैंसिल हो गए, लिहाजा वो अपने आप को हक समझती है, अपने आप को सच समझती है, अपनी क़यादत ही को हक पर समझती है, बाकी सारे काम को नजरअंदाज करती है, निगेट करती है, रद्द करती है, बाकी सारी दीनी जद्दोजहद को रद्द करती है, निगेट करती है। इस लफ्ज को गौर से सुने, रद्द करना, निगेट करना। उसकी वजह से क्या होता है कि दीनी जमातें ही एक दूसरे के असरात को जाहिर कर देती हैं। तुम्हारी क्या ऐसी है, इसको कुछ पता नहीं, इसमें ये करा दी, इसमें ये करा दी, इसमें ये करा दी। मैंने उस जमात की खामियां गिरवा दी, उस जमात वाले ने मेरी जमात वाले की खामियां गिरवा दी। तो दीनी जमातों ही ने एक दूसरे के नतायज और एक दूसरे के असरात को जाहिर कर दिया, खत्म कर दिया। तो काफिर को या मुखालिफ को या दुश्मन को तो मजहबी काम के असरात जाया करने की जरूरत ही नहीं पेश आई। मजहबी तबके ने अपने दायरे के अंदर रहते हुए ही एक दूसरे के असरात को खत्म कर दिया, जाहिर कर दिया, जाया कर दिया। लिहाजा दीनी जद्दोजहद के इज्तमाई नताए या इज्तमाई असरात हमारे सामने हैं। इज्तमाई नताए और इज्तमाई असरात हमारे सामने हैं। समझ में आ गया आपको? तीसरा पहलू और चौथा पहलू यह है कि दीन क्या है, एक पुल है, पूरे के पूरे दीन के अंदर दाखिल होता है। दीन फर्द की इस्लाह भी करता है, दीन माशरे की इस्लाह भी करता है, और दीन हुकूमत और निजाम की इस्लाह भी करता है। आपके मुल्क के अंदर जो जमात है, जो तंजीमें मौजूद हैं, कोई जमात तो ये कर रही है कि लोगों को सिर्फ अल्लाह में लगाया, सिर्फ जिक्र और फिक्र में लगाया हुआ है। कोई है जिसने सिर्फ यानी अपनी जात की इस्लाह तसव्वुफ की जमात है। दूसरी जमात है वो है जो माशरे की इस्लाह करना चाहती है, समाजी काम कर रही है, फलाही काम कर रही है। दीनी जमातें भी उसके अंदर शामिल है, माशरे की इस्लाह करना चाहती है, माशरे को सुधारना चाहती है। और चौथी जमातें जो बहुत थोड़ी है वो है जो हुकूमत और निज़ाम की इस्लाह कर रही है। जो हुकूमत की इस्लाह करना चाहते हैं वो कहते हैं कि बाकी दोनों काम जरूरी नहीं है, हुकूमत ठीक हो जाएगी तो हुकूमत में हम आकर खुद और खुद माशरे को भी ठीक कर लेंगे और फर्द को भी ठीक कर लेंगे। वो ये कहें सारा जोर हुकूमत के क्याम के ऊपर है, सियासी जद्दोजहद के ऊपर। दूसरे वो लोग हैं जो माशरे की जद्दोजहद कर रहे हैं, वो कह रहे हैं लोगों की इसलाह हो जाएगी, माशरा ठीक हो जाएगा, हुकूमत भी खुद ठीक हो जाएगी, फर्द भी खुद ठीक हो जाएगा। और सूफिया किराम की जमात है वो कहते हैं कि नहीं जनाब, बातिन और मन की इसलाह हो जाएगी तो
खुद बखुद सब ठीक हो जाएगा। तो ये तीनों काम जरूरी हैं, लेकिन तीनों काम एक साथ होने चाहिए, एक लड़ी में पिरोए हुए होने चाहिए। लोगों की नियतों की भी सलाह हो, लोगों के हाल की भी सलाह हो, और लोगों की जो मौजूदा सूरत हाल है, जो निज़ाम है, जो हुकूमत है, उसकी भी सलाह हो, तब पूरा माशरा इस्लामी होगा, पूरे का पूरा दीन फिर नाफिज़ होगा। किसी एक सिमत में, किसी एक रुख पर काम करके दीनी जद्दोजहद कामयाब नहीं हो सकती। तो लिहाजा पाकिस्तान के अंदर मजहबी और दीनी जमातें किसी एक सिमत में काम कर रही है और उसी तरफ दौड़े चले जा रहे हैं, दूसरी सिमत के काम को नजरअंदाज कर रही है, उसको अहमियत नहीं दे रही। चौथी वजह यह है, तो चार वजूहत मोटी मोटी मैंने आपको बताई, बड़ी बड़ी आपको वजूहत बताई। और इसके अलावा जो एक बात है कि जिसकी वजह से दीन आज तक अपनी शान और शौकत से बरकरार है, वो बात क्या है? वो बात ये है कि चाहे मगरबी तहजीब आए, चाहे सोशलिज्म आ जाए, चाहे तातारी आ जाए, चाहे मुसलमानों को बाहमी राय झगड़े इंतशार इतराक हो, हमेशा दीन अपनी जगह कायम हो जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि दीन की तालीमात अबदी, दीन की तालीमात आफाकी है, दीन की तालीमात 100% सच्ची है। लिहाजा हम खराब हो जाते हैं, हम बुरे हो जाते हैं, हम कमजोर हो जाते हैं, हमारी हुकूमत छिन जाती है, लेकिन दीनी तालीमात अपनी जगह पर मौजूद रहती है। इस बात का नुकता यह है कि हुकूमत के कमजोर हो जाने से दीन कमजोर नहीं होते, हुकूमत के कमजोर हो जाने से, हुकूमत के छिन जाने से, हुकूमत के चले जाने से, हुकूमत के लादीन हो जाने से दीन कमजोर नहीं होता, दीन कायम रहता। उसकी वजह क्या है? इसलिए कि जो दीन ने जो तहजीब, कहते हैं इस्लामी तहजीब, हमारा रहन सहन, हमारा उठना बैठना, हमारा जीना मरना, हमारे रोजमर्रा के मामला, वो सारे के सारे इस्लामी रहे, सारे के सारे। मिसाल आप ले लीजिए कि जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग नहीं हुए थे और एक हिंदुस्तान था, कभी मुसलमानों की हुकूमत आई, कभी हिंदुओं की हुकूमत आई, कभी राजों की हुकूमत आई, कहीं सिखों की हुकूमत रही, लेकिन इस्लाम अपने पूरे दबदबे के साथ, पूरी शान शौकत के साथ उन सिखों के इलाकों में बरकरार रहा, उन हिंदुओं के इलाकों में बरकरार रहा, मुसलमानों के इलाकों में बरकरार रहा। हुकूमत तो इस्लामी नहीं थी, लेकिन तहजीब इस्लामी थी, रहना सहना इस्लामी था, तहजीब इस्लामी को खतरा नहीं थी, हुकूमत खतरे में थी। लिहाजा दीन बरकरार रहा, दीन की शान शौकत बलबला कायम रहा, और इसी वजह से दीन बरकरार रहा। कुछ भी हालात हुए, हम अंग्रेज के गुलाम हो गए, हम हिंदू के गुलाम हो गए, हम सिख के गुलाम हो गए, हम तातारी के गुलाम हो गए, लेकिन इस्लाम बरकरार रहा। इस्लाम की तालीमात में तहरीफ नहीं हो सकी, इसलिए कि कुरान ऐसी किताब मौजूद है जिसमें तहरीफ नहीं हो सकी, रसूल अकरम की सुन्नत ऐसा तरीक़ेकार मौजूद है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता, जिसे बदला नहीं जा सकता। और रसूल अकरम ने फरमाया कि मैं तो तुम्हारे दरमियान अल्लाह की किताब छोड़ रहा हूँ, अपना तरीका छोड़ रहा हूँ, लिहाजा तुम जब तक इसको पकड़े रहोगे गुमराह नहीं हो। लिहाजा दीन खत्म नहीं हुआ, दीन की शान और शौकत कायम रही। लेकिन आज जो आपको चैलेंज दरपेश है वो ये है कि आज टेलीविजन की वजह से, VCR की वजह से, डिश एंटीना की वजह से, मगरबी तहजीब की जलगार की वजह से, माशी मजबूरियों की वजह से, आज आपके घरों के अंदर, आपके खानदान के अंदर आप महसूस करें कि इस्लामी तहजीब दम तोड़ रही है। मेरी बात आप कहेंगे कि मैं सच कह रहा हूं, आपके घरों के अंदर, आपकी माओ बहनों में, आपके रिश्तेदारों में, आपके खानदान के अंदर आप महसूस करेंगे कि हमारी इस्लामी तहजीब की वो अकदार दम तोड़ रही, कमजोर हो रही। ये वो खतरे की घंटी है, ये वो खतरनाक अलामत है कि जिस पर हमें नजर रखनी है। बहसियत दीनी जमात, बहसियत दीनी तंजीम, ये वो खतरे की घंटी है कि जिससे अब हमें लड़ना है, हमारा सबका फर्ज। तो ये चार अनासिर आपको बताने के बाद, पांच बातें बताने के बाद, वक्त बहुत तवील हो गया, सरदे अंजुमन का खिताब है, मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं, उसमें बहुत सारी बातें और हैं जो करने की। तो पहली बात तो यह है कि सारी जमातें बहुत इखलास के साथ
बहुत खुलूस के साथ दावत दे तो सिर्फ अल्लाह की तरफ हो, लिल्लाहियत आ जाए, इखलास आ जाए, सच्ची नीयत आ जाए, तो काम के अंदर तासीर पैदा हो। दूसरी बात यह कि अपनी कयादतों के झगड़ों को छोड़कर, अपनी कयादतों की हकानियत साबित करने को छोड़कर रसूल अकरम के नाम के चर्चे बुलंद कर, रसूल अकरम की तरफ बुलाए, रसूल अकरम की शान बुलंद कर, तो ये कयादतों के झगड़े खुद बखुद खत्म होते चले जाएंगे, सर की हैसियत इख्तियार करते चले। तीसरी बात यह कि तंजीमियत को और जमात को अवलियत देने के बजाय दीन के गलबे को, दीन की शान को, दीन के बलबले को अवलियत दी जाए, दीन की बात को अवलियत दी जाए, अपनी जमात को कामयाब बनाने के लिए, अपनी जमात को ताकतवर बनाने के लिए मसलियत से काम लेने के बजाय सच्चाई से काम लिया, नेकी से काम लिया जाए, हक से काम लिया, और इस बुनियाद पर दीनी जद्दोजहद को आगे बढ़ाए, और वो जो हमारी दीनी तहजीब जो आज तक बरकरार थी, और हम महकूम हुए, हम गुलाम हुए, लेकिन दीन को शिकस्त नहीं हुई, दीन कभी भी गुलाम नहीं हुआ, मुसलमान गुलाम हो गए, बात समझ में आई है, मुसलमान गुलाम हो गए, मुसलमान महकूम हो गए, दीन गुलाम नहीं हुआ, दीन महकूम नहीं हुआ, इसलिए कि तहजीब, इस्लामी तहजीब गालिब है। आज इस्लामी तहजीब को खतरा लाहक है। अब इसके लिए जरूरी यह है कि हम इस्लामी तहजीब को मजबूत करें, और उसको मजबूत करने के लिए हमारे पास दो बुनियादी इदारे हैं, एक है मस्जिद और एक है खानकाह, एक है मस्जिद और दूसरी है खानकाह। मस्जिद के किरदार को मोहल्ले के अंदर और उस सोसाइटी के अंदर खानकाह के किरदार को दोबारा जिंदा करने की जरूरत है, यानी मस्जिद से ताल्लुक कायम बढ़ाना लोगों का, और लोगों का अल्लाह से ताल्लुक बढ़ाना तसव्वुफ के जरिए, इन दो चीजों के जरिए हम अपनी तहजीब को बचा सकते हैं। पहले आपने देखा होगा, अपनी तंजीम के अंदर भी मुशाहिदा किया होगा, जो कारकुनान का एक खुलूस और मोहब्बत था, अब उसमें और इसमें फर्क आया। पहले जो दीनी जमातों के कारकुनान का जोश और जज्बा और बलबला होता था, वो आज कम पड़ गया। क्यों? इसलिए पहले रोटी की फिक्र लोगों को कम थी, माश की फिक्र लोगों को कम थी, जिंदगी का स्टैंडर्ड बुलंद करने की फिक्र लोगों को कम थी। आज लोगों को लाले पड़ गए हैं पेट भर के, लोगों को लाले पड़ गए हैं अपने लिए मकान बनाने के, कपड़े पहनने के, घर वालों के लिए दाल दलिया का इंतजाम करने, तो लिहाजा दीनी जद्दोजहद में ताबुन कौन करेगा, दीनी जद्दोजहद के लिए टाइम कौन देगा? और यही वजह है कि आम आदमी और आम लोग अब दीनी जद्दोजहद में चलने के लिए तैयार हो, और आपसे भी लोग ये कहते हो छोड़ो मियां अपने घर की फिक्र करो, नौकरी करो, अपना घर बारो, बीवी बच्चों को बारो, तुम किन चक्रों में पड़ गए? ये जुमले आपने सुने? पहले लोग उस आदमी की इज्जत करते थे जो नेक हो, आप लोग उस आदमी की इज्जत करते हैं जिसके पास ताकत है, जिसके पास पैसा है, तो आपने देखा माशरे की कदर बिल्कुल बदल गई। पहले आलिम की, सूफी की, वली की इज्जत होती थी, आज लोग इनके पीछे नहीं भागते, एमएलए के पीछे भागते, एसएचओ के पीछे भागते, कमिश्नर के पीछे भागते, तो आपने देखा जिंदगी की कदरें बदल गई, जिंदगी का रहन सहन बदल गया, और ये सारे का सारा अमल इस जिंदगी की जो माशी दौर शुरू हुई है, और जो ये तहजीब की जो जलगार हुई है, डिश एंटीना, वीसीआर, टीवी, फिल्म, रवैये, रिसाले, इसकी वजह से पूरी जिंदगी का रवैया बदल गया। इसके सामने कोई कमजोर आदमी टिक ही नहीं सकता, इसलिए कि आप और मैं बड़ी मुश्किल से इसके सामने टिके हुए, आप और मैं बड़ी मुश्किल से इसके सामने टिके हुए। आम आदमी जो दीनी जमात से वाबस्ता नहीं है, जो दीनी जद्दोजहद से वाबस्ता नहीं है, वो इसके सैलाब के सामने टिक कैसे सकता है? आप और मेरा टिका रहना होगा, आप और मैं चाहते हैं तंजीम के लिए काम करें, 24 घंटे काम करें, घर के हालात इजाजत नहीं दे क्या हम 24 घंटे काम करें, माशी हालात इजाजत नहीं देते कि हम 24 घंटे काम करें। तो इस माशी फिक्र में
इस सरमायादारी निजाम ने दीनी जमातों और दीनी जद्दोजहद को कमजोर कर दिया। इस मगरबी तहजीब की जलगार ने दीनी जमातों और दीनी जद्दोजहद को कमजोर कर दिया। अब वही लोग और वही तंजीमें इस सैलाब के सामने डट कर टिक सकती हैं जो सूरत हाल के सामने घुटने ना टेके, जो हालात के सामने घुटने ना टेके, हालात की रविश में बह ना जाए, हालात के सामने हाथ ना जोड़ दे। और ये कौन लोग होंगे? ये वही लोग होंगे जिनके अंदर मजबूत होंगे, ये वही लोग होंगे जिनके बातिन मजबूत होंगे, ये वही लोग होंगे जिनका अल्लाह के ऊपर कामिल ईमान कामिल यकीन होगा, ये वही लोग होंगे जिनके दिल रसूल अकरम से जुड़े हुए होंगे, ये वही लोग होंगे जो दुनिया की तरफ नहीं भाग रहे होंगे बल्कि दीन की तरफ भाग रहे होंगे, ये वही लोग होंगे जो जिस्मानी लज्जतों के हसूल के लिए, जिस्मानी आसाइशों के हसूल के लिए जिंदगी नहीं गुजार रहे होंगे बल्कि तकलीफें बर्दाश्त कर रहे होंगे अल्लाह की रजा के लिए। अंजमन का काफिला अंजमन का काफिला आपकी दीनी जद्दोजहद और आपके माशरे में दीनी जद्दोजहद की नाकामी के असबाब आपके सामने आ गए। बहुत मुख्तसर, अब आप अगर अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो तहजीबी यलगार मगरिब से आई है, यूरोप से आई है, जो आपके और मेरे घर में डिश एंटीना वीसीआर टीवी अखबार रसाए आपके और मेरे घरों में घुसे हैं और इसने आपके और मेरे छोटे भाइयों को दीनी अकदार और दीनी कदरों से दूर कर दिया है, और जो माशी फिक्र में और ज्यादा से ज्यादा अमीर बनने की फिक्र में और ज्यादा से ज्यादा दौलत कमाने की फिक्र में और ज्यादा से ज्यादा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बुलंद करने की फिक्र में जो हमें माशी कीड़ा बना दिया है, माशी हैवान बना दिया है, अगर आप और हम चाहते हैं कि इसके मुकाबले में डटे और इसके मुकाबले में ठहर जाए, तो इसके लिए फिर वही भरपूर जद्दोजहद शुरू करनी होगी। आइडियल बना रहा होगा रसूल अकरम की जात को, दुनिया को नहीं, आइडियल बना रहा होगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रजा को, दुनियावी लज्जत और सुकून को नहीं। हमारे सच्चे रहनुमा वो अनिका और रजा, हमारे सच्चे रहनुमा वो अनिका और रजा। और इस सारे प्रोसेस से आपका काफिला आपका कारवां आगे बढ़ेगा, और आप देखिए कि अंजुमन तुलबा इस्लाम शुरू से इस पॉलिसी पर चलती आ रही है कि हम लोगों को शख्सियत की दावत नहीं देते, हम लोगों को तंजीम की दावत नहीं देते, हम लोगों को गुरुबंदी की तरफ दावत नहीं देते। अंजुमन तुलबा इस्लाम एक इज्तमाइयत के नाम है। आज की दावत के अंदर इखलास दिलाइयत मौजूद है, आपकी दावत रसूल अकरम की मोहब्बत की तरफ।